आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कस्बे की प्रतिभावान बालिका आयुषी जैन ने देश में 85वीं रैंक प्राप्त कर कस्बे एवं क्षेत्र का नाम रोशन कर गौरव बढ़ाया। प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी अजीत कुमार मोहनोत एवं गृहिणी हंसा मोहनोत की सुपुत्री आयुषी ने परीक्षा में दूसरे सफल प्रयास में देश में 85वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में जाकर देश सेवा करने का सपना साकार होने पर कस्बे एवं क्षेत्र गौरवान्वित हुआ। खबर मिलते ही माता पिता एवं परिवारजनों में खुशी का माहौल हो गया तथा कस्बे में भी लोगों को जानकारी मिलते ही खुशी जाहिर कर आयुषी के घर पर परिजनों बधाई देने वालों का तांता लगा। निवास पर खुशी जाहिर कर ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आयुषी जैन ने बताया कि इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को जाता है और इस मुकाम को हासिल करने में दिन रात कड़ी मेहनत की, जिस क्रम में नगर इकाई अध्यक्ष सुभाष वैद व उनकी धर्मपत्नी निर्मला वैद सहित कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने भी आयुषी के माता पिता का माला पहनाकर स्वागत किया। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनी की रिपोर्ट। कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र की, हमारे मोहल्ले की, हमारे गाँव की, हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की शान बनने जा रही है हमारी बेटी, हमारे गाँव की, हमारे मोहल्ले की बिटिया आयुषी मोहनोत, जिनका सिलेक्शन IAS के अंदर हुआ है, जो हमारे सबके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी बस्ती के लिए बहुत गर्व का विषय है। अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपने कितनी मेहनत की और आपके बच्चों ने कितनी मेहनत की? नहीं, मेहनत तो सभी ने की है, बच्चे ने मेहनत ज्यादा की है। अच्छा, कितनी बधाइयां मिल रही है आपको? ढेर सारी बधाइयां। बधाइयों बताता रहा। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं? तो नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी किस विभाग में जाना चाहती है और देश का नाम और क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती है? हाँ, IAS में जाना चाहती है, देश का नाम रोशन करेगी, अच्छा सी सेवा में उसको अच्छा अच्छा काम करना है। क्या नाम है आपका? मैं हंसा जैन, डग से। आपकी बिटिया ने जो देश का और क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उसमें कुछ कहना चाहेंगे हमारा दर्शकों साहब? मैं सबसे पहले आप सबकी बधाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से, पूरे नगर वासियों की दुआ से बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। उसकी मेहनत के साथ आप सबका आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है। किस प्रकार से आपका मार्गदर्शन रहा है? जहाँ जहाँ बच्चों ने अपनी इच्छा जैसे भी बोला कि मुझे ये करना है, हमने कभी भी उन्हें ऐसा नहीं बोला ऐसे नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगे वो सब करना है। हमने अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता था पूरा सहयोग दिया बच्चों को। जब आपको पहली बार सूचना मिली तब आपको कैसा लगा था? हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और हमसे ज्यादा हमारे मोहल्लों वालों को खुशियां थी। हमसे पहले वो ढोल ढमाके लेकर आ गए, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।